आज हम बनाएंगे चीजी व्हाइट चिकन पास्ता। वैसे तो व्हाइट पास्ता बच्चों का बहुत ही फेवरेट है, लेकिन अगर आप इस तरह का व्हाइट चिकन पास्ता बनाएंगे तो घर के हर मेंबर को पसंद आएगा। सबसे पहले हमें रख लेना है 1.5 लीटर पानी गैस पर। जैसे ही इसमें बॉयल आने लगे हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच भर कर नमक। बस आधा चम्मच इसमें तेल डालना है। ज्यादा ऑयल डालने से ऑयली पास्ता पे सॉस बराबर से कोट नहीं होता है। पेने पास्ता लिया है मैंने, यहाँ पर 2 कप भर कर इसे डाल देते हैं। ये करीब 200 ग्राम पास्ता है। 7 से 8 मिनट के लिए हम पास्ता को बॉईल कर लेंगे। पास्ता को हमें बस 80% पकाना है, बाकी ये पकेगा व्हाइट सॉस के साथ। पास्ता अच्छी तरह से बॉईल हो रहा है पानी में, चेक कर लेते हैं। एकदम सॉफ्ट नहीं हुआ है पास्ता, थोड़ी सी कसर रह गई है इसमें, बस अब हम इसे निकाल लेंगे। इसे निकाल लेते हैं एक छन्नी में, सारा पास्ता इसमें डाल लेंगे और अब इस पर डाल देते हैं ठंडा पानी। ठंडा पानी डालने से पास्ता का जो कुकिंग प्रोसेस है वो बंद हो जाएगा और पास्ता एक दूसरे से चिपकेगा नहीं, एकदम खुला खुला रहेगा। ये पास्ता को अब हम साइड में रख लेंगे। एक पैन में डालेंगे अब 1 चम्मच भरकर बटर। 250 ग्राम बोनलेस चिकन लिया हुआ है मैंने यहाँ पर, थोड़े बड़े पीसेस लिए हैं, आप चाहें तो छोटे पीसेस भी ले सकते हैं। साथ ही साथ इसके डाल देंगे 1/2 चम्मच भरकर काली मिर्चों का पाउडर। 1/2 चम्मच डाल देते हैं नमक। अब चिकन को हम मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे चलाते हुए। चिकन का सारा पानी सूख जाए और अच्छा सा इस पर गोल्डन कलर आ जाए तब तक हम चिकन को पका लेंगे। इसे पकाने में हमें 5 से 6 मिनट लगेगा। तो बस चिकन हमारा रेडी हो गया है। अब इसमें डाल देते हैं 1/4 कप भरकर चॉप की हुई शिमला मिर्च। 1/4 कप भरकर मैं डाल रही हूँ लाल शिमला मिर्च। स्वीट कॉर्न डाल देंगे 1/4 कप भरकर और 1/4 कप भरकर डाल देते हैं चॉप की हुई प्याज। इसमें कोई भी वेजिटेबल आप अपनी पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं। मिक्स करते हुए अब इसे हाई फ्लेम पर हम पका लेंगे बस 1 से 1.5 मिनट के लिए। हल्का सा ये वेजिटेबल सॉफ्ट हो जाए बस हमें इसे तब तक पकाना है। वेजिटेबल जितना क्रंची रहेगा पास्ता में उतना ज्यादा बढ़िया लगता है। फ्लेम को अब ऑफ कर देते हैं। अब हमें बनाना है व्हाइट सॉस। इसके लिए डालेंगे पैन में 1/4 कप भरकर बटर। बटर जैसे ही मेल्ट हो जाए मीडियम फ्लेम पर इसमें डाल देते हैं 2 बड़े चम्मच भरकर चॉप किया हुआ लहसुन। लहसुन को बस हमें फ्राई कर लेना है 1/2 मिनट के लिए। फिर हमें इसमें डाल देना है 1/4 कप भरकर मैदा। लगातार मैदे को बटर के साथ मिक्स करते हुए हमें पका लेना है 3 से 4 मिनट के लिए। मैदे का कच्चापन चला जाए, अच्छी सी सौंधी खुशबू आने लगे इसमें, हमें तब तक मैदे को पका लेना है। अब धीरे धीरे हमें इसमें डाल देना है दूध और लगातार हम इसे मिक्स करते जाएंगे एकदम लो फ्लेम पर। बस हमें ये ध्यान रखना है कि इसका कोई लंप ना बने। और मैंने यहाँ पर 2 कप भरकर दूध लिया हुआ है। अगर आपको लगे कि सॉस गाढ़ा है तो आप इसमें और दूध ऐड कर सकते हैं। मिक्स करते जाना है और दूध हमें थोड़ा थोड़ा डालते जाना है। ये सारा दूध मैंने इसमें डाल दिया है। अब अच्छा सा बॉईल आने लगा है इसमें। इसमें डाल देना है अब हमें 2 चीज़ क्यूब श्रेड किया हुआ। ये मैंने अमूल चीज़ क्यूब लिए हुए हैं, इसे श्रेड करके डाल देते हैं। मिक्स कर लेते हैं और लो फ्लेम पर चीज़ को मेल्ट होने देते हैं। जैसे ही चीज़ मेल्ट हो जाए हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच भरकर मिक्स्ड हर्ब्स। थोड़े से और तीखेपन के लिए मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच भरकर चिली फ्लेक्स। 1/2 चम्मच डाल देते हैं काली मिर्च का पाउडर। बस 1/2 चम्मच इसमें हमें नमक डालना है क्योंकि चीज़ और बटर में ऑलरेडी नमक है। मिक्स कर लेते हैं सारी चीज़ों को। तो ये हमारा गाढ़ा व्हाइट सॉस बनकर रेडी हो गया है। आप चेक कर सकते हैं ये इतना गाढ़ा होना चाहिए कि जब हम इसमें चम्मच डालें तो ये चम्मच को अच्छी तरह से कोट कर ले। इसमें अब डाल देते हैं चिकन और वेजीज जो हमने सॉटे किया हुआ है। साथ ही साथ इसके डाल देते हैं बॉइल्ड पास्ता। मिक्स कर लेते हैं इसे अच्छी तरह से। आपको अगर लगे कि व्हाइट सॉस ज़्यादा गाढ़ा हो गया है तो आप इसमें पानी ऐड करके इसे बॉईल कर सकते हैं। मीडियम फ्लेम पर बस 2 मिनट के लिए पास्ता को हम व्हाइट सॉस के साथ पका लेंगे। व्हाइट चिकन पास्ता को और क्रीमी बनाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच भरकर फ्रेश क्रीम। इससे पास्ता और ज़्यादा क्रीमी हो जाता है। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसे ऐड कर सकते हैं। बस अब एक फाइनल मिक्स दे देते हैं। तो ये हमारा चीजी सॉस में डूबा हुआ व्हाइट चिकन पास्ता बनकर रेडी हो गया है। आप इसे सर्व कर लीजिए इसी तरह से, या फिर आप इसे गार्लिक ब्रेड के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत टेस्टी, मज़ेदार और रेस्टोरेंट से भी अच्छा पास्ता बनकर घर में ही रेडी हो जाता है। ट्राई ज़रूर करें इसे एक बार। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।